बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है एक प्रोसीजरल लॉ है, ज़ाब्ते का कानून है। तो ये एक प्रोसीजर डिस्क्राइब करता है और इस प्रोसीजर को अडोप्ट किया जाना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इनफैक्ट इट हैज़ प्रोवाइडेड प्रोविजंस फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इवन इट हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड प्रोविजंस टू इलेबोरेट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेंट। तो ठीक है, यानी ये इसने इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी के लिए ही तरीकाकार नहीं बताया इस कानून ने, बल्कि कंप्लेंट के बारे में भी बताया। तो दोस्तों, कंप्लेंट की वजाहत हम देख लेते हैं कि कंप्लेंट का मतलब क्या है। तो दोस्तों, एलिगेशन होती है कंप्लेंट, बेसिकली जो ज़ुबानी या रिटन जो है किसी मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है, और मजिस्ट्रेट जो है वो फिर उसका क्या करता है, ऑफेंस का कॉग्निजेंस करता है, उसकी समाहत करता है। और इस अंदाज़ से मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की जाती है कि वो भी इसके ऊपर जो है एक्शन करे ऑफेंस के ऊपर। तो दोस्तों, जो पुलिस रिपोर्ट होती है कंप्लेंट में शामिल नहीं होती है, और ये रिटन हो सकती है या ओरल हो सकती है। फिर मजिस्ट्रेट को इसमें मुखातब किया जाता है और उसे इस्तदा की जाती है, इस्तदा की जाती है कि वो जो है ना, वो फिर ऑफेंस के खिलाफ जो है वो टेकिंग ऑफ एक्शन करे। और वो ये जो टेकिंग ऑफ एक्शन है, ये फिर अंडर सिविल प्रोसीजर, सॉरी अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको कंप्लेंट के बारे में थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो गई है कि कंप्लेंट FIR से ज़रा डिफरेंट होती है और ये ख़ास तौर पर मजिस्ट्रेट को की जाती है। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में आपके साथ हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे FIR और कंप्लेंट के दरमियान। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।